प्रेजेंटेशन, अभी हम बोलना, अभी हम आता हमी नहीं थे। अरे बोल, अरे तो नहीं बोलना। कॉफी प्लांटेशन कुछ साल आप कॉफी प्लांटेशन बोल सीट कॉफी प्लांटेशन। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। माय सेल्फ अभी, आप लोग किधर से? गुजरात। मुंबई। मुंबई, ओके। या तो इधर सबसे ज्यादा कॉफी कौन पीता है? कौन कौन कॉफी पीता है? सब लोग पीता है ना? बताओ, देखिएगा ये क्या 200 साल 200 साल एक ही बार कटा है। देखो 80 प्लस 10 तभी 90 इयर्स का प्लांट। 90 इयर्स ओल्ड रूट 10 इयर्स ओल्ड प्लांट। ओके, अभी ऐसा आपको काउंटिंग करते हैं। स्टेम देखेगा तो एक स्टेम मत 80 इयर्स का बचा हुआ एज का काउंट। और कॉफी का रे एज कैलकुलेट करने के लिए कार्बन डेटिंग करना करके नहीं, इसका एक बिट ऑफ रूट या तो स्टेम कटी ले जाके लैब में देगा तो 250 रुपीज पे करेगा, तो आप एज ऑटोमेटिकली मान सकते हैं। चिप रूटिंग दालचीनी का पेड़ बोलना तज। अभी एग्जांपल के लिए ये पेड़ है करके रखो, पहले निकलता है दालचीनी का ऊपर का छाल, ऊपर का छाल रहता है, सेकंड क्वालिटी का तीखा काली रहता है, स्मेल नहीं है। दालचीनी का पेड़ से निकालता है पर दालचीनी करके बोलेगा पर बेनिफिट्स दालचीनी का नहीं होते, जीरो। इसीलिए ऊपर का छाल निकाल के अंदर के लकड़ी को स्क्रेप करते हैं, अंदर का होगा गोल वाला दालचीनी, फर्स्ट क्वालिटी का होता है, गुड अरोमा, स्वीट एंड स्पाइसी ब्लेंडेड रहता है। ओके, और रोल वाला रहता है एंटी डायबिटिक एजेंट, गुड फॉर कोलेस्ट्रॉल एंड फैट बर्निंग पर्पस। नॉर्मली सब लोग सोचते सबसे ज्यादा दालचीनी उगता है श्रीलंका में, ये करके श्रीलंका में दालचीनी करके कौन बोला है? कैसिया है। स्मेल टेस्ट पूरा दालचीनी का, पर बेनिफिट का वाइज आएगा जीरो आएगा, फर्स्ट कॉपी ऑफ दालचीनी बोल सकते श्रीलंका। अभी श्रीलंका का दालचीनी खरीदना है किधर जाएगा? श्रीलंका नहीं, बाजू का ग्रोसरी स्टोर को जाना है, इजीली अवेलेबल ऑल ओवर इन द मार्केट। मगर इंडियन सिनेमा खरीदना है ज्यादातर अरबिक कंट्रीज या तो यूरोपियन कंट्रीज। एक्सपोर्ट क्यों होता है बोले, एक तो श्रीलंका का सिनेमा लुक स्मेल टेस्ट लाइक सेम बट द कॉस्टिंग एंड द क्वालिटी विल बी लो, सो इट विल बी चीप इन इंडियन मार्केट। फॉर एग्जाम्पल 50 रुपये श्रीलंका का रहेगा तो इंडिया का 100 रुपये रहेगा। किस चीज़ का पेड़ होता है? दालचीनी का पेड़ बोले। दालचीनी का मेन प्रोडक्ट इज सिनेमा, बाई प्रोडक्ट इज बे। ओके, एक इस चीज का प्लांट है करके कौन बताएगा? गुजराती और मराठी सबसे ज्यादा खाते है। आकरा पात्रा नहीं, बादाम है, आलमंड है, आलमंड है, आलमंड का नहीं रहे। ये अंजीर का जड़ है, ड्राई फ्रूट वाला अंजीर खाते है ना सब लोग? हाँ, दो जगह में सबसे ज्यादा खाते है, इसीलिए पूछा आपसे। नॉर्मल अंजीर में आते हैं तीन वैरायटी का, एक होता है छोटा पत्ता बड़ा ट्री जंगली अंजीर, देखा जिसमें ज्यादा कीड़ा आता है कोई फायदे का नहीं, अचार बनाता है क्लीन करके। दूसरा वैरायटी का जमीन पे पूरा भर के अंजीर लगने का देखा होगा, उसे बोलता है फिगीस बोलते हैं, जो खाने वाले का होता है। ये तीसरा होगा एलिफेंट ईयर फिग ट्री जो ये है, इसका अंजीर साइज अंजीर के जैसा रहेगा पर आपको छोटा लेमन को उतना छोटा रहता है, और अंजीर इधर वन बाई वन जायफल के स्टेम्स में लगता है, एक 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 करके लगेगा। और ये अंजीर अप्रैल मई में लगता है, अप्रैल या तो मई में 45 डेज के लिए एक बार लगता है, इसीलिए एक्सपेंसिव होता है एक ट्रैप से। दूसरा ये अंजीर में रहते 80% वाटर, 20% रहता है फ्रूट का पल्प, इसीलिए हम लोग ये अंजीर को धूप में सुखाएगा तो पूरा पानी तो गिर जाएगा, बचा हुआ फ्लश रहता है। हम लोग सोचते हैं एक कॉइन पूरा स्लाइसेस में काट के कॉइन्स बनाता है करके, नहीं, पूरा फल एक कॉइन उसे सिकुड़ा जाता है। अभी अंजीर को सुखाएगा तो सिकुड़न तो रह गई, अभी का अंजीर में सिकुड़न मिल रहा है, वो लोग क्या करते धीरे से फिगो आनी को अंदर से निकाल के शुगर सिरप भरते हैं। शुगर भरेगा तो क्या होगा, वेट ज्यादा पड़ेगा, प्राइस भी कम होता है, और फिगो नहीं वेस्ट नहीं होता है, आइसक्रीम स्क्वाश करके आप ही खरीदते हैं। और अभी शुगर कोटेड और नेचुरल अंजीर में क्या डिफरेंस है? नेचुरल अंजीर का ज्यादातर रिंकल्स रहते हैं,
शुगर कोटेड में नहीं रहता। दूसरा जो नेचुरल अंजीर रहते हैं, पूरा अंजीर एक दूसरे से डिफरेंट रहते हैं, वही शुगर कोटेड है, यूनिफॉर्म इन कलर, पूरा एक ही जैसे दिखते हैं। मैं अंजीर रखेगा तो दिन ब दिन काला होता है, वो शुगर कोटेड होगा। ओरिजिनल अंजीर में हाई कंटेंट ऑफ फाइबर एंड आयरन कंटेंट, हीमोग्लोबिन और डायबिटीज के लिए अच्छा है, पर ये शुगर कोटेड का हीमोग्लोबिन कम होगा, डायबिटीज ज्यादा होगा, अपोजिट। ओके, एलिफेंट ईयर फिग ट्री। कोई भी कॉफी का फार्म देखो, ऊपर बड़ा बड़ा ट्रीज लगा के रखता है ना, क्यों बोले कॉफी को रोबस्ट को चाहिए 80% शेड, क्योंकि 12 महीने के एक फसल है। मार्च में फ्लावरिंग है तो फरवरी में हार्वेस्टिंग है, 11 मंथ्स 22 डेज वन क्रॉप होता है। उसके बीच में अगर ज्यादा धूप पड़ने से फ्रूट जल्दी पकेगा पर सीड रेडी नहीं रहता। कूर्ग ऐसा प्लेस में सिचुएटेड है मिड टू द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, सो इजी इंडिया का प्लेस में साइक्लोन से हमें फ्लड आता है, पहला बारिश हमें लेना पड़ता है, बाद में आपको मिलता है, फिर रिटर्न में भी हमें ही मिलता है। इसलिए पहले से 8 महीना बारिश इधर है, क्योंकि क्लाउड्स ऊपर जाके नीचे आने में भी इधर मिलता है। दूसरा कोई साइक्लोन आ गया बलग तो उसका 2 महीना, 10 महीने इधर बारिश में निकलते हैं, बाकी का 1-2 महीना ऐसा रहता है, अभी समर सीजन होता है। ओके, और उसके बीच में बारिश आने से फ्रूट बहुत सेंसिटिव रहते हैं, स्टेम के ऊपर पानी गिरते के मान फ्रूट्स नीचे गिर जाते हैं, अभी फार्मर को तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, इसीलिए शेड के लिए बड़ा ट्रीज यूज करते हैं। पर इधर का फार्मर क्या किया, थोड़ा दिमाग यूज किया, मल्टी यूजफुल ट्रीज लगाए, जैसे कि पहला ट्री होगा ये ट्री का नाम होता है पॉपुलर, नेम ही पॉपुलर है, पेरेंट ऑफ ऑल प्लांट्स भी बोला जाता है। 3 यूज रहता है, एक तो कॉफी को शेड देता है, दूसरा पेपर का जो वेल होता है इजीली इसके ऊपर ग्रो कर सकते हैं, तीसरा लकड़ी का प्लाईवुड एंड पेपर बनता है, स्टेम्स जाते हैं मैच बॉक्स का स्टिक्स बनने के लिए, पत्ता नीचे गिरने के बाद फर्टिलाइजर का काम करेगा। पूरा पार्ट यूज हुआ ट्री का, फर्टिलाइजर का पैसा बचा, एडिशनल प्लांट का पैसा बचा, और ट्री डाई होने होने में उसका वुड का भी इनकम मिलता है, इसीलिए हर 10-10 फीट में यही ट्री ज्यादा लगाया है। ये सब लोग उनको मालूम रहेगा किस चीज का ये करते हैं, बैम्बू शुगर ने मालूम रहते हैं, इलायची का जाएगा। मुनार टेकड़ी कोई विजिट नहीं किया है, अभी ये पहले पर उधर पौधा छोटा है, ये लंबा है, हाइब्रिड एंड ट्रेडिशनल के बीच का डिफरेंस होता है। हाइब्रिड में आपका क्वांटिटी ज्यादा निकलता है पर क्वालिटी लो रहता है, इसमें क्वालिटी अच्छा निकलेगा पर क्वांटिटी कम रहता है, और इधर का इलायची थोड़ा शाही होता है, कभी सामने नहीं आता, पीछे वरता है। ओके, पीछे जाएगा तो जमीन के ऊपर ग्रो हुआ देगा, पर एक भी प्लक नहीं करना है, जा सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं देते, सब लोग सोचे इतना बड़ा बड़ा पौधा लगा, इतना महंगा क्यों बेचते करके ना, साल का 1.5 किलो देते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं करते। हाँ है ना, है जी, बताओ किस चीज का प्लांट है करते, ग्रीन दिख रहा है, इसे बड़कन पेपर बोलते हैं, बड़कन बोलोगे तो ऑल पेपर्स बोलेंगे, पर ये साइंटिफिकली नहीं, नेचुरल प्लांट होता है, और पेपर तो पैरासाइट नहीं है, ये प्लांट का न्यूट्रिशन कुछ नहीं लेता है, जस्ट सपोर्ट लेता है। उसके बदले में पेपर क्या करेगा, ये ट्री के ऊपर दीमक नहीं लगे जैसा देख लेते हैं, ट्री जायफल जावित्री का है। पहले आपका फल आता है, पीला का फल आएगा, बीज रहते हैं अंदर का, वो जायफल रहता है, तो बीज के ऊपर जो स्किनी लेयर रहता है दैट इज जावित्री, मेल एंड फीमेल होगा, फीमेल इज फ्लावर, द मेल इज द सीड, सिम्बायोटिक, इफ देयर इज नो फ्लावर नो फ्रूट, 10 महीने का एक फसल होगा। इसका हार्वेस्टिंग आपको अक्टूबर में, स्मॉल फ्रूट अरेबिका, स्मॉल लीफ बिग फ्रूट, रोबस्ट ट्री है, एवरी ईयर ट्रिम करना है, पर अरेबिका पौधे ट्रिमिंग करना करते हैं, मेंटेनेंस कम यूज करते हैं, पूरा वर्ल्ड में 40% रोबस्ट है, 60% अरेबिका, क्योंकि प्रॉफिट वाइज कॉफी यही है। दूसरा, पर इसमें क्वांटिटी कम निकलता है, क्वांटिटी उसमें ज्यादा निकलता है, वो 12 महीने का एक क्रॉप है, तो ये आपको 10 मंथ्स का बनता है। ये बीन्स अभी अरेबिका का बीन्स आपको रेड कलर में देखने को मिलेगा, बट नॉट द रोबस्ट बीन्स, और अरेबिका का सीड ओवल रहता है और पतला रहता है, रोबस्टा का मोटा रहेगा और ब्राउन रहेगा, छोटा बीन्स रोबस्टा का। और कॉफी का ओरिजिन रोबस्टा का होता है साउथ अफ्रीका, अरेबिका का इथियोपिया, कभी कॉफी इंडिया में कौन लाया बताओ, देखेगा 7th स्टैंडर्ड में ही है।
पांडिचेरी पोर्चुगीज 1670s में व्हाट इज कोटिगामा 14th में आया था तो इतना तो पता होता तो हमारी नहीं होती है कॉफी को इंडिया एक इंडियन सेंट नोन एज बाबा बुडन लेके आए बाबा बुडन एक ट्रैवलर था जब यमन विजिट किया तो 7 बीन्स कॉफी का अपना दाढ़ी में चुरा के लाया क्योंकि वो टाइम में इंडिया में था पोर्चुगीज एंड डच इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट बैंक इसलिए स्मगलिंग करके लाके पहला प्लांटेशन स्टार्ट किया चिकमंगलोर का चंद्रगिरी हिल्स में अभी चिकमंगलोर में बाबा बुडंगिरी हिल्स के ये रेड हुआ है कॉफी क्या वो टेस्ट कर सकते हैं मैं गुजरात विजिट किया सूरत में था 2 महीने टेस्ट कर सकते हैं खा सकते हैं स्वीट रहेगा बिटर नहीं रहता लाल वाला ही खाना कच्चा खाएगा तो पेट में दर्द होता है कॉफी भी नहीं रेड कॉफी वो फल का नहीं कहीं बीज नहीं फ्रूट है चेरी है ना ग्रीन अभी राइप चेरी बीन्स ऑफ कॉफी होता है पेड़ को ऊपर का पत्ते में देखो पत्ते के बीच में ब्राउन 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 दिख रहे हो वही लवंग फ्लावर बड होता है लवंग डार्क ग्रीन आएगा डार्क रेड में तोड़ के सुखाते हैं सुखाने के बाद ब्राउन होता है लवंग से कितना तेल निकालेगा उतना ही काला काला लवंग फायदा नहीं है ओरिजिनल लवंग पहचानने का तो तोड़ने के लिए जस्ट प्रेस करो तेल निकालो और इलायची कितना ज्यादा पीला उतना लो क्वालिटी अभी कॉफी पीने के लिए मिलेगा सब लोगों का